डिस्कस करेंगे फेज नाइन प्रिज्म के ए और क्यू के हवाले से कि इसमें पोजेशन आ रहा है या डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है, इन ब्लॉक्स में कितना काम हो चुका है और कितना काम हो रहा है, इस लिहाज से हम बताएंगे आपको। अगर पोजेशन की बात करें, सुनने में आ रहा है कि जी क्यू और आर में पोजेशन देते हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जी ए और क्यू में पहले दें। प्रिज्म के अंदर अगर हम इंटर होते हैं तो फर्स्ट जो राउंड अबाउट है उधर तेज़ी से काम जारी है, प्लांट्स वगैरह भी लगा रहे हैं, डीपी पोल वगैरह इन्होंने इंस्टॉल कर दी है, लाइटों का काम बस रहता है होने वाला। अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, रोड्स भी क्लियर हो चुकी हैं। अगर रेट्स की बात करें हम ए ब्लॉक में मिनिमम रेट चल रहा है तकरीबन कुछ 240 से 250 का रेट चल रहा है, जो हमें प्लॉट मैक्सिमम बहुत अच्छी लोकेशन का मिल जाता है, 3-25 के करीब हमें मिल जाता है, जो ओल्ड यूज़ क्लियर हो और अच्छी लोकेशन का कॉर्नर हो, फेसिंग पार्क हो। इसी तरह अगर हम क्यू ब्लॉक की बात करें, क्यू ब्लॉक में भी तकरीबन प्लॉट हमें मिल जाता है कुछ 40 से 45 का प्लॉट हमें मिल जाता है, जो बाउंड्री के पास होगा, फेसिंग बाउंड्री होगी, और अगर हम अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेने जाएं तो हमें तकरीबन मिल जाता है 3-25, अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो 3-50 तक भी डिमांड हो रही है, लेकिन हमें 3-25 का बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है जो 120 फीट रोड के ऊपर होता है, या कॉर्नर हो या फेसिंग पार्क हो। डेवलपमेंट के लिहाज से हम देखते हैं दोनों ब्लॉक्स को तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो चुकी है कंप्लीट। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं बताऊं आपको तो आपको अब इन्वेस्टमेंट इधर करनी चाहिए, इस टाइम ये टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अगर पोजेशन कल को आ जाता है तो हमें यही वाले प्लॉट जो 40-45 का प्लॉट है ये हमें तकरीबन 3 करोड़ टच होते मिलेंगे। मेरा मशवरा यही है आपसे कि अभी आप इन्वेस्टमेंट कर लें, क्योंकि अगर कल को सुनने में आ रहा है क्योंकि अंडरपास ये निकाल रहे हैं फेज नाइन प्रिज्म के लिए दे रहे हैं अंडरपास, तो अगर कल को अंडरपास भी ये बना देते हैं, क्योंकि अभी डी ब्लॉक फेज 6 डी ब्लॉक में अंडरपास का काम जारी हो चुका है, अगर अंडरपास बन जाता है तो उम्मीद है कि यही हमें जो प्लॉट्स हैं हमें इनका रेट तकरीबन फेज 5 या फेज 6 से मज़ीद ऊपर का मिले, अगर ये पोजेशन आ जाता है अंडरपास बन जाता है तो। इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू अल्लाह।